नमस्कार दोस्तों, आरपी न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जो है गोरखपुर जिला के विधानसभा बासगांव के ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सभा गजपुर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, और जिस जगह पे हम मौजूद हैं हम आपको बता दें कि हमारे पीछे देख सकते हैं नवरात्रि को लेकर बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी चल रहा है और ये मूर्ति जो है बन रहा है। इस कारखाने के अंदर हम इस वक्त जो है हम प्रवेश किए हैं, और जिस कारखाने में प्रवेश किए हैं उस कारखाने के मालिक से हम मिलेंगे और इस कारखाना के विषय में जानेंगे कि आखिरकार इस कारखाने में कितनी मूर्ति बन रही है और ये कब तक जो है तैयार हो पाएंगे और कितने कारीगर हैं और कारीगर कहां से आकर ये इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत सारे सवाल जवाब हम करेंगे। फिलहाल हम जो मालिक हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे और उस मालिक से भी हम पूछेंगे कि आखिरकार इसका जो है आज जो कारखाना में हम प्रवेश किए हैं कारखाना के अलावा जो है और कहाँ कारखाना है, मतलब ये केवल एक ही यही कारखाना है, इसके अलावा और भी जगह पे है कारखाना। और फिलहाल देख सकते हैं हमारे पीछे एक कारीगर काम कर रहे हैं, और ये फिलहाल जो है जो मालिक हैं जिनका कारखाना है उन्हीं के एक छोटे भाई हैं। इनका नाम जो है मैं जानना चाहूँगा, नाम क्या है अपना? रंजीत रावत नाम है इनका। और रंजीत रावत जो है अपनी मूर्ति को जो है किस तरीके से सफाई कर रहे हैं और इसका जो है रंग और पेंटिंग का काम कब शुरू होगा ये भी हम जानेंगे, इनसे पूछेंगे। तो चलिए हम इनसे हम बात करते हैं, पूछेंगे आखिरकार ये रंग का कलर कब से चालू होगा और कब तक इनकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है, कैसे करेंगे ये लोग। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, इसका कलर का काम कब तक शुरू करेंगे आप लोग? दो चार दिन के बाद आप कलर का काम चालू कर देंगे। कब तक तैयारी बन जाएगी पूरी मूर्ति की कलर की? कब तक आप लोग इसको तैयार करके रख सकते हैं, मतलब कब तक नवरात्र है, कब कैसे करेंगे आप लोग? 15-20 दिन में तैयार हो जाएंगे। अच्छा, 15-20 दिन में ये लोग तैयार कर देंगे। कितनी मूर्ति बनी होगी? मूर्ति हमारे यहाँ 30 मूर्ति है, छोटा बड़ा लेकर 30 मूर्ति है, छोटा बड़ा लेकर यहाँ पर 30 मूर्ति है। और इसका आर्डर जो है दूर दूर से कहाँ कहाँ से मतलब लाते हो, आर्डर कैसे होता है इसका? वो लोग खुद आते हैं कि वो लोग डायरेक्ट आके अपना बात करते हैं? बात करते हैं, बयाना देते हैं, फिर समय आने पर रिसीव करके उठा ले जाते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि जब मूर्ति जिसको बुकिंग करना होता है वो लोग खुद आकर इस कारखाना में मालिक से मिलते हैं और अपनी मूर्ति पसंद करते हैं और उसके बाद अपना यहाँ पर आर्डर लिखवाते हैं और कुछ बयाना देते होंगे और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर मूर्ति लोगों की बुकिंग हो जाती है। जब समय आता है तो ले जाते हैं, उसमें भी कुछ इधर उधर 1000-2000 इधर उधर करके ही लोग ले जाते होंगे, है ना? और नवरात्र कब पड़ेगा? अभी एक महीने के लपसम बता रहे हैं, इनको जो जानकारी है इनको मालूम।